आज की ये जो वीडियो है हमारे एक व्यूवर्स के सवाल के ऊपर है। जब फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलता है तब अक्सर फ्रिज में लगी ये जो दो पार्ट देख पा रहे हैं, एक रिले और एक ओएलपी, दोनों में से कोई पार्ट खराब हो जाता है जिसकी वजह से ये जो कंप्रेसर है वो नहीं चलता है। तो मैं इस वीडियो में ये कंफर्म करा दूंगा कि अगर कंप्रेसर चालू है तो इन दोनों पार्ट में से कौन सा खराब है, चेक करने के काफ़ी सिंपल और सरल तरीके बताऊंगा। उसके लिए पहले सबसे पहले अपने फ्रिज की पावर प्लग अलग कर लेंगे और कंप्रेसर के पास यहाँ पर जो रिले ओएलपी में दो वायर लगे होते हैं दोनों वायर को निकाल देने हैं। फिर घर में अलग से आपको कोई छोटे छोटे दो वायर के टुकड़े लेना है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने दो तार ले लिया है। तो मैंने इस दो तार में एक प्लग लगाया हुआ है और दूसरी तरफ पिन बनाया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि रिले या ओएलपी कौन सी पार्ट खराब है, चेक करने के काफ़ी सिंपल और सरल तरीके हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से इसकी पिन में हम कनेक्शंस कर देते हैं, देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हम कनेक्शंस करते हैं, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर जैसे कि वीडियो में बताया है कि दोनों में से कौन सा पार्ट खराब है, चेक करने के काफ़ी सिंपल और सरल तरीके हम बताएंगे। सबसे पहले एक पार्ट को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ये देखिए। अब मैं पहले देखता हूँ कि ये जो रिले खराब है या फिर ओएलपी। तो मैं यहाँ पर ओएलपी को चेक करने वाला हूँ, ओएलपी खराब है या फिर नहीं। देखिए तो मैं इस कनेक्शंस को हटाकर इसकी एक तार को इसके राइट साइड पे लगा देता हूँ, ये इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो वायर है हमारे पास उसको डायरेक्ट बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारी कंप्रेसर चलता है या फिर नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिजली की बोर्ड में कनेक्शन दे दिया है, स्विच ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो फ्रिज है कंप्रेसर वो नहीं चलता है, तो यहाँ पर सिंपल एक टेस्टर ले लेनी है। टेस्टर लेने के बाद दोनों तार को शॉर्ट करके देखनी है, ये तो अगर चालू हो गई, जैसे कि यहाँ पर हमारी कंप्रेसर अब चालू हो चुकी है, साउंड सुन सकते हैं, चालू हो गई तो इसकी रिले खराब है, ये आप कंफर्म कर पाओगे। और अगर रिले चालू है तो ओएलपी खराब है, वो कैसे कंफर्म करेंगे उसके बारे में देखते हैं। फिलहाल हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद फिर से यहाँ से दोनों प्लग को हम पिन को निकाल देते हैं, ये देखें। तो मैंने ओएलपी हटा दिया है, यहाँ पर ये जो रिले है रिले की मैं कनेक्शंस कर देता हूँ, ये देखिए। एक मिनट, हम यहाँ पर पहले एक वायर की कनेक्शंस नीचे के साइड कर देंगे। तो नीचे वाला पॉइंट पे हम एक वायर का कनेक्शंस यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद ये जो रिले देख रहे हैं रिले के राइट साइड में हमें इसकी पिन पे इसकी कनेक्शन देना है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसकी कनेक्शन दे देता हूँ। अब इसको डायरेक्ट बिजली की बोर्ड पर लगा कर देखता हूँ तो मुझे ये कन्फर्म हो जाएगी कि ओएलपी खराब है या फिर रिले। तो हम यहाँ पर अभी रिले को चेक कर रहे हैं चालू है या फिर नहीं। तो देखिए इसको बिजली की बोर्ड पे हम फिर से प्लग लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंप्रेसर है वो बिल्कुल चल रही है, तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि इसकी ओएलपी खराब है, रिले चालू है। इस तरीके से आप दोनों पार्ट को एक एक करके चेक कर सकते हैं। जो पार्ट खराब होगा उसको लाकर चेंज करेंगे और आपकी फ्रिज का कंप्रेसर चालू होगा तो जो पार्ट है उसको बदलने के बाद आपकी फ्रिज की कंप्रेसर चलने लग जाएगी। वीडियो से जानकारी मिली तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ।